2023 का आयोजन किया गया। फिरोजाबाद के जलेसर रोड स्थित स्वशासीय मेडिकल कॉलेज में जीएमसी फिरोजाबाद और फिरोजाबाद आर्थोपेडिक सोसाइटी के द्वारा एओओ बेसिक हेड कोरम 2023 का आयोजन मेडिकल कॉलेज के LT2 में किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर बलवीर सिंह प्रधानाचार्य जीएम फिरोजाबाद द्वारा किया गया। वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल ने जानकारी देते बताया कि डॉक्टर सीपी पाल, डॉक्टर संजय धवन विशिष्ट अतिथि थे, साथ ही जिसमें दिल्ली कानपुर ग्वालियर के डॉक्टर अजीत तिवारी, डॉक्टर अभिषेक शर्मा, डॉक्टर विनीत दवास आदि के साथ सर्जरी का व्याख्यान दिए। सम्मेलन में 120 प्रतिभागियों ने भाग लिया। आने वाले समय में हाथ की चोटों का इलाज बेहतर तरीके से करने में फिरोजाबाद और आसपास के डॉक्टर्स को बेहद मदद मिलेगी। स्वराज सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। कार्यक्रम किया गया है, इसका क्या कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है? ये आईओए की सब कमेटीज हैं, जिसमें जैसे शरीर में अलग अलग अंगों की हड्डियां, उनके टेंडन्स, उनके लिगामेंट्स और सॉफ्ट टिश्यू की जो इंजरीज होती हैं जोड़ों की और अन्य बीमारियां, उनके इलाजों पर चूंकि एक साथ कोई भी कॉन्फ्रेंस करना सभी अंगों का संभव नहीं हो पाता, तो उन्होंने सब कमेटीज़ बनाई हैं। जैसे हैंड की अलग, एंकल फुट की अलग, रिस्ट की अलग, स्पाइन की अलग, एल्बो की अलग, शोल्डर, नी, हिप, इस तरीके से। तो आज आईओए की हैंड सब कमेटी का पहला हैंड कोर्स था। इसमें हाथ की और पौंचे की यानी रिस्ट की जितनी भी गंभीर चोटें होती हैं, चाहे वो हड्डी में हो, चाहे वो मांस में हो, मांस मतलब टेंडन्स में, लिगामेंट्स में, जोड़ों में, उनकी सभी तरह की चोटों को किस तरीके से सही इलाज दिया जा सके, जिससे कि पूर्ववत स्थिति में कार्य करने की मरीज आ सके, इसके ऊपर चर्चा की, जिसमें कि दिल्ली से, कानपुर से, ग्वालियर से, बाहर जगह जगह से विशेषज्ञों ने आकर, जो केवल हैंड की ही सर्जरी करते हैं, उन डॉक्टर्स ने अपना इस पर ज्ञान अपना प्रदर्शित किया। और यहाँ के जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो कि आगरा, मैनपुरी, इटावा, अलीगढ़, ग्वालियर, आसपास के जो इलाकों से डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने इसको लाभ उठाया इस ज्ञान का। और हम समझते हैं कि आने वाले समय में इससे हाथ की चोटों के इलाज में यहाँ के डॉक्टर्स को बहुत लाभ होगा और मरीजों को इसका लाभ पहुँचाया जा सकेगा। अपने मेडिकल कॉलेज में कब से ये सुविधा चालू हो सकती है? ये सुविधा आप समझिए कि ये अब बस चालू हो गई, क्योंकि ये तो ज्ञान है, ज्ञान का प्रवाह है। जैसे जैसे नई नई तकनीकें पता चलती जाती हैं, उनका उपयोग मरीजों के हित में तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया जाता है। और हाथों की चोटों को अक्सर करके हम लोग गंभीरता से नहीं लेते कि अरे छोटी सी चोट है, लेकिन उसमें उंगली का टेढ़ा हो जाना, जोड़ का स्टिफ हो जाना, जोड़ में चाल ना रहना, तो ये सब जो चीज़ें हैं, इसमें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और मरीज इसका, मैं उम्मीद करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आने वाले समय में उठाएंगे। तो ये आईओए बेसिक हैंड कोर्स था और ये पहला हैंड कोर्स था जो आईओए द्वारा संपादित किया गया, और हम बड़े शुक्रगुजार हैं आईओए के, उन्होंने हमें चुना इस कोर्स को यहाँ कराने के लिए। इसमें करीबन कितने डॉक्टरों ने भाग लिया है? इसमें करीबन 120 डॉक्टरों ने भाग लिया है, जो अलग अलग जगहों से, सीमावर्ती इलाकों से, जिले के आए थे। फिरोजाबाद में अक्षय तृतीया पर कई जगह